नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। धर्म की अफीम को चुनावी राजनीति का आधार बनाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ड्रग्स का धंधा करते हुए पकड़ी गई हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी न्यू अलीपुर से 90 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार हो गई हैं। इस कोकीन की बाजार में जो कीमत है वो लाखों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने पामेला के साथ उनके दोस्त प्रोबी डे और एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कर दी है। कोलकाता पुलिस ने जानकारी दी है कि भाजपा युवा मोर्चा की पर्यवेक्षक और हुगली जिले की महासचिव पामेला गोस्वामी को न्यू अलीपुर इलाके से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी कार के अंदर कई लाख रुपए की कीमत वाली कोकीन लेकर जा रही थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से ही पामेला की ड्रग्स लेने की आदत की जानकारी थी। पुलिस ने न्यू अलीपुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पामेला की कार को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनकी कार और बैग से 90 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने न्यू अलीपुर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पामेला की कार को रोककर तलाशी ली तो उनकी कार और बैग से 90 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पामेला भाजपा के युवा मोर्चे से लंबे समय से जुड़ी रही हैं और हुगली जिले की महासचिव भी हैं। मोहतरमा सोशल मीडिया पर भाजपा की रैलियों और मोदी शाह की तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में पामेला मैडम को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बगल में मौजूद देखा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भाजपा नेता मुकुल रॉय और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ पामेला की तस्वीरें मौजूद हैं। पामेला बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ चुनाव प्रचार में भी नजर आ चुकी हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।